नमस्कार, AMS ज्वेल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के MCQ क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये सीरीज हमारा चल रहा है। तो आइए देखते हैं, कुछ छोटे से क्वेश्चन लिए हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो गेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर वाले जैसे तरह के क्वेश्चन जो आते हैं गेट एग्जामिनेशन में, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आइए देख लेते हैं इसके छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू को। करेंगे इस इफ ए थ्री क्रॉस थ्री रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यू 2i देन वन ऑफ द रिमेन आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज के बारे में यहाँ पे बात करनी है, बट कंडीशंस यहाँ पे दे दी है कि स्क्यू सिमेट्रिक जो है मैट्रिक्स है। तो अब समझना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता हो कि इनकी आइगन वैल्यूज कैसी होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू कैसी होती है। देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइगन वैल्यू क्या होती है? आइदर जीरो और इमेजिनरी। क्या होती है? आइदर जीरो या इमेजिनरी, मतलब जीरो होगी या तो काल्पनिक होगी। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जीरो होगा या तो काल्पनिक होगा। हम ऑप्शन चूज कर लीजिए। देखिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा संयुग्मी वाले फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर हमको चीज समझ लेनी है कि अगर यहाँ पे एक आइगन वैल्यूज 2i दिया है तो दूसरा -2i हो सकता है और फिर एक जीरो हो सकता है। इस तरह से कंसेप्ट बन सकता है। तो देख लीजिए, अभी फॉर्मेट में होगा इमेजिनरी, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शंस नहीं होगा, ये बच गया आपका सिर्फ और कुछ नहीं, दैट इज ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा एक क्वेश्चन था जिसको कि हम समझ सकते थे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बहुत आता है एग्जाम में। तो इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा और उसको समझने का प्रयास भी करिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन है हमारे पास, करेंगे इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 देन वैल्यू ऑफ के। देखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, गेट 2010 में आया हुआ है। मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है? 3x3 है और इसकी रैंक 2 है। इट मींस क्या होगा? जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा? 0। क्लियर? रैंक ऑर्डर कितना है? 3x3 है, रैंक 2 है। इट मींस क्या होगा? इसको जिस डिटरमिनेंट वैल्यूज होगी वो 0 होगी। ये आपको क्लियर हो गया? तो बट बस बेसिक फंडामेंटल है, आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए एंड वी गेट द आंसर। तो दिस इज के 1 2 1 -1 -2 और 1 1 4। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बट इसके कंसेप्ट को समझना, अगर कंसेप्ट समझ पाते हैं तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो अब देखिए, इस सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए इसको, के इंटू ये हाइड होगा, ये हाइड होगा, तो -4 और ये माइनस होगा, बट माइनस यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। सिंपल, बीच में माइनस आता है, ये टोटल हाइट कर लेंगे, ये हाइट कर लेंगे 4 और फिर ये मल्टीपल करेंगे, तो बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +2 और ब्रैकेट ये हाइट हुआ हियर 1 और +1 गेट इक्वल टू 0। ये वैल्यूज हो गए हमारी। अब इसी वैल्यूज को यहाँ पर सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -2k -6 और यहाँ से 2 2 4 +4 इक्वल टू 0। ठीक, -2k -2 इक्वल टू 0, तो -2k इज इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 upon -2, दैट वैल्यू इज -1। तो k इक्वल टू -1 के लिए जो इसकी रैंक होगी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सिंपल, k इक्वल टू -1 के लिए जो है ना, k इक्वल टू -1 के लिए इसकी रैंक 2 होगी इस क्वेश्चन की। तो ये तो फंडामेंटल छोटे से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो आप कंसेप्ट बना करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यस, थैंक यू, बाय, जय हिंद।